कमला चोर हुए हैं, खटने न्यू कोई थी मैं पंडित घटासी से काट दूंगा प्रदेश का मुख्यमंत्री, तुम्हारे दादी ने काट देगा यो इतनी औकात है इसकी। ये बात कही थी इसकी पूछा पिए थे बोला कौन सा देश घूमना रह रहा है, पिए ने बोला लगता अपना वाले रह रहा है इसमें हैंडले कम तक इसे सुख दुख सुख दर्द पूछ ले किसी के। राहुल गांधी ने तो ओबीसी का मान ओबीसी जो जो कास्ट है उसका वो कर रहा था अपमान कर रहा था नहीं मोदी से तो कह दिया मैं भी कहूंगा चोर हुए हैं खटरने न्यू कही थी मैं पंडित घटासी से काट दूंगा, इस पर कोई एक्शन हो या उदी तो ओबीसी वाला कर दिया कई थी ये बैठे सारे सती से मुख्यमंत्री है के कही थी प्रदेश के काट दूंगा फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री तुम्हारे दादी ने काट देगा यो इतनी औकात है इसकी। इसका तो साथी था पांच छापे लेनिया भी कुनी ये बैठ ये पुतला फूक क्या था नहीं इसका तो हम भी गए इधर रोवागा कौन है जो हमारे बुजुर्ग है खाप पंचायतों का माँ आपके चैनल के माध्यम से खाप पंचायतें हमारे को एक न्यायालय के समान है और सदैव ही इन खाप पंचायतों ने बड़े बड़े मर्डरों के और बहुत बड़े बड़े फैसले जो कोर्टा पर कई साल तक नहीं सुलझे थे नहीं वो एक चबूतरा जिस तरह हमारा विनायण खाप का हर खापों के चबूतरे बने हुए हैं उन पर बड़े बड़े फैसलों का समाधान किया है हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनके बराबर का दर्जा दिया जाता है खाप पंचायतों को क्योंकि एक न्याय की गुहार जाए यहाँ पे लगाई जाती है ना यहाँ पे फैसला ऑन द स्पॉट हो नहीं कोई कागजा में दब करा जाए और जो ही फैसले की आप बात कर रहे हो ना जो हमारे बुजुर्गों ना जो अच्छा लगेगा हमारी दी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने के नाम फैसला अच्छा लगा ना उस पर ये युवा या पूरी खापे खाप पंचायत जो फूल चढ़ाने का काम करेंगे उनका जड़ा उनका पसीना बहुआ ना ओड़े युवा खून बहाने का भी काम कर सके जे अपनी दी बेटियाँ पर बात आएगी ना भाई फिर मर्जी आदमी ने भगवान का दर पर जाएगा तो और भगवान का दर पर जाएगा जो न्यू मर्गे नहीं तोड़ा जाएगा कई कैश कहें अगला अभी भगवान भी न्यू का राम अल्लाह वाहेगुरु गोड जो भी है न्यू का बेटी जो तो तेरा टापरे खतर थी बण बेटियाँ खतर नहीं लड़ से गया तो ऊपर धार लेना है ओड़े भी जगह को ना मेरे भाई दो राई बताई सौर किरण रखी फिर तू न्यू देख ले भी कौन सी में जाना है इब तू अच्छी रिपोर्ट करेगा तेरा चैनल भी उठेगा लेकिन उस दर पर तो जाकर सारे जवाब देना पड़ा है यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आड़े तो पीछे हम सारा सौदा खरीदा जा सके आड़े तो न्याय नहीं मिलेगा लेकिन उस दर पर जाकर सारे जवाब देना पड़ा है। लेकिन पत्रकारों को भी दबाया जाने लग रहा है केस लगाए जाने लग रहे हैं पत्रकार जैसे अपना आकर्षण उपल है करनाल में इस पे कुछ कहना चाहूंगा इस पे के ये सतीश बैठे वो साध्वी देवा ठाकुर का चक्कर में ये पकड़ लिए थे था तो मैं तो सच्चाई बताऊं मैं कहना मैं पाछे तो कही ईब है जुगर देता मैं ना हकीकत इतना आगे कह दू मैं ये तो देख न्यू को नहीं कि भाई ठाली बैठे हो लोग धरना कर लेंगे बेटियां की मेरे भाई आधी रात ने फोन कर दिए देख आप अपनी बताइश कहाँ आप पूरा गांव का गुआंड का देश का ठेका ले सकते जड़ा तो पाओगा नहीं जे तेरा 15 लागेंगे भाई 7.5 लठ मंडवाने का काम करूंगा मैं हार इतनी औकात को नहीं कि मेरे भाई सच्चाई बताऊं ये बड़े मीडिया ने तो प्रधान ने तो खरीद सका करोड़ों में अरबों में ठीक है लेकिन जो एक भीतर लगी आवाज़ है नहीं जो तमें देखता मैं काम अपना कर रहे हो ये बिजनेस भी एक तरीका था भाई अपने रोजी रोटी चले जाओ लेकिन एक आवाज़ भी है कि भाई हमें उठाए ला कम तक हम तारा दिल ने तो सुकून मिले यार तू सच्चा सही काम कर रहा है तेरी मेरी लड़ाई होगी मैं गलत हूँ तू चाहे कितना ही भोगले मैं कितना ही भोगले मेरा भी तरला तो नहीं कह रहा ना सतीश तू गलत है अरे भाई सच्ची है मैं अपना स्वाभिमान खातर चाहे कितना लड़े जाऊँ जुगर ये ब्रिजभूषण है या मोदी है यह है नहीं भीतरला तो इन का न्यू कह रहा थोड़ी जो तो मैं गलत हो लेकिन ये कर नहीं सकते क्यों शाम ही आ नहीं सकते इन दिन न्यू बेरा है जे आ जाओगे तो तारी थू थू हो जाएगी आंदोलन पहला दिन मैं ले मोदी किसान आंदोलन मैं बताऊँ ये लास्ट में क्यों रह गए इन दिन न्यू रह गए बजे तो एकदम पड़ गया नहीं तो तुरी दुनिया में कई इमेज हो रही उसका के होगा अपने साग बचाने के लिए मतलब लंबा खिंचवाया मोदी साहब ने। हाँ जुगर देवी साध कौन के नाम उसका साध्वी देवा ठाकुर जुगर उती साग बचाने खातर तो हम पकड़ लिए थे नहीं भाई कई बार ये कर देंगे नहीं वे सारे अपने अपने ये पाछे ही जो ये सिक्किम है सिक्किम उनका बारह मून थी आपसरी में जो कॉन्ट्रोवर्सी चली थी हकीकत बताऊं पहली बात तो चाहे कितने भी गिनो ना किसी ने भी काम करा किसी महिला को हक ही नहीं है आपसरी में पहली बात तो कि किसी की इज्जत उछाड़ने का अधिकार लेकिन साध्वी जी तो साध्वी को आती है साध्वी देवा ठाकुर जी लेकिन उनकी कुछ वीडियो है गाली गलौज कर रही है क्या हमारे मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा आप भाई मैं बताऊंगा विचरते हो हर एक उसमें विचरो हो कि हमारे जो देश की संस्कृति रही है जो हमारी देवी जो साध्वी है साधु है गाली का ही प्रयोग करे करेगी भाई भाई तो मैं बताऊँ तो साध्वी की बात है जी नहीं अपने देश में ये भी है जो कर बोले के नाम है हाँ बोले सच्ची खबर दिखाने खातर अखबार हो से है नहीं अखबार हाँ बोले सच्ची खबर दिखाने खातर अखबार है अरे मिले मारी लड़ाई आंदोलन तक सीमित नहीं
आखिरी में हमारे हाथ में भी हथियार हो है, और बाबिया का आठ अटका जिक्र ना करे अमड़ी बीजेपी है। रामदेव जो पैर गए ज्यादा नहीं वल्लू भाई यानी सलवार हो से बाबा यो भी है। ये के बताया आपने साध्वी जो गाली का प्रयोग करे कितना, एक तो सभ्य देता हमारा जो आप हिंदू धर्म की बात करानी साधो के होया करे हैं जो पैरां तो नंगे पाओगे। पहली बात, एक परमपिता परमात्मा को सीधा डायरेक्ट मिलने वाले वही होते हैं जिनकी भगवान के साथ सीधी बात होती है। इब आपने नाम सुना होगा इब आने वाला अभी जो दौर चल रहा है ना बाबा बालाजी का धाम है साला सर मेहंदीपुर है शिवशंकर भोला का हरिद्वार अपना हरियाणा बोधू का है। इब एक नया धाम चल रहा है क्यों मैं ओडा रहा हूँ उत्तराखंड में मन्ने बेरा है बाबा नीम करोली सुना होगा था ठीक है ओडा है नी एक सच्ची साधना थी और बाबा बालाजी के वो तकड़े भगत थे जो आज पूजे जो है ताकि ओडा जाए पाछे सारे सुख दुख दूर हो जाए। वो एक इंसान थे जो आज पूजे जाए मारा छोटे दिनों दम है हमारे बुजुर्ग ने देखा बाबा बिजारपुरी था जिसकी धोख लाग है दूजाला दिन सिद्ध महात्मा ठीक है मौसाला दिन है सिद्ध महात्मा बाबा बजीरनाथ थे जिनके आज भी मंदिर है आने वाला टाइम में उसकी भी कड़िया कोई दिन टेका जाए इसका जिसका दीवा लागेगा इवन इनका मुंह तो इसे इसे बदल गए दीवा लाने चुके हैं। मतलब आप आपका क्या ओपिनियन है साध्वी देवा ठाकुर जी को? ओपिनियन यो है ना तो मैं उसका बारे में कंधा क्यों भाई बात से तामी उठ डर लाग है मेरे पे उठा को नहीं डर लाग है ना 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 देख भगवान की दया तो स्वामी मैं बताऊंगा तेरे जो मैं ठंडा दिमाग दबा दूंगा मैं भाई बंदर की रेल नहीं होगी पूरा हो बस बेल चल पड़ी दो गुडिया एक छोरा है भगवान की दया इतना बूढ़े छोड़ के भी गए जिसती में खाए पी लेंगे आप इन्ना तो डर दे ना मरना तो डर दे ना मरना तो डर दे अपनी इज्जत पर बात है जिन्हें अपना नागा नहीं कोई कुछ मरने की तो बात नहीं संविधान तो नहीं डर लाता है डर का कौन सा मतलब है मिनिमम से पीछे पे लेकर आप उसका ना ना आजाद नहीं है भारत आजाद है नहीं 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 जब तो न्यू को है बोले मारे भर के पत्रकार ने पकड़ लिया वो कौन सी AGM होगी भाई कौन सी DC SP होगी वो तो पकड़ लिया इस देश में नहीं पता आजादी कौन सी होगी जड़े आराम तो जंतर मंत्र क्या खतर बना रखा है। अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा तो आप जंतर मंत्र पर जाकर धरना देश को अधिकार होड़ा का परमिशन लेके स्पेशल धरना खतरा जंतर मंत्र होड़ा न्यू को नहीं कई गांव में तो न्यू को बेरा नहीं सोचा होगा जंतर मंत्र न्यू चौंतरा बरगा की में चीज होगी और रोड है वो बस इन्हें चीजें खतर भाई अगर आपकी आवाज कड़ी नहीं सुना ओडा सुना देंगे ओडा जाए पाछे भी जे आपने नहीं बताइए गद्दे आले होगी तो मैं अड़े तकत ले आऊंगा तो किमें हो जाएगी जे उनती वाली नहीं लैन देरी आजादी है वह नहीं है नहीं तो आड़ा ही रोड कर दे कुछ भी रोड जाम करे नहीं थी कोरोना काल में गोले भी पैडे हैं तो ही एक मिनट आड़ा बंद कर दे तेरा लठ लागेंगे आजादी है या तेरा की आवाज उठा ली आजादी है या तेरी दी बेटियां है तेरे तो लड़ गया आजादी है या तेरी फसलां है तेरे तो लड़न लग रहा आजादी है। नरेंद्र मोदी जी कंगना रनावत जी तनुगा 2014 के बाद देश आजाद होया है 2014 के बाद देश आजाद होया जो देश का जो कार्य चक्कर है प्रगति पे चले 2014 के बाद चले मैंने को अटक गुलाम में जत्ता होया है इन गाने के बाद तो में देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो ही साची को नहीं बोल रहा प्रधानमंत्री तो करता बोला मैं जत्ते मैंने के नहीं साचा बोला मैंने तेरे एक बात को नहीं कही एक साची एक बात को नहीं कही मंत्र दे एक बात कही थी ना जो हकीकत में अपने गले मन की बात अंबानी गले धन की बात सब बड़ा झूठ आदमी आप दुनिया कहा जड़कड़ियां बात आज नहीं भाई प्रोटेस्ट की और जद ये ठहके दिखाई दे ये मोदी और भाषण देगा मैंने पाकिस्तान गले यो कर दिया मैंने दिकड़ा गले यो कर दिया इसका पीए ने बेरा की बात कही थी इसकी पूछा पीए तो बोला कौन सा देश घूमना रह रहा है पीए ने बोला लग दरा अपना रह रहा है इसमें हैंडल ले कम तक इसे सुख दर्द पूछ ले किसी के नहीं पूछा इसने और आपने को नहीं देखा अच्छी बात है भाई पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास हजार IPS IAS की फौज है जो ये सारा डाटा नहीं रखा है और खबर है खुद ने को नहीं बेरा देखा पे तो जो दमाना किसान आंदोलन होया था दूसरा दिन आके मीडिया में सीधा न्यू कह दिया भाई मेरे पर भरोसा रखो इतिहास नहीं बोलिया तेरा साल तेरा महीने क्यों नहीं बोलिया फिर वही स्वाभिमान की बात आएगी अच्छा एक तो जो मैं बास वाली नाली बात नहीं जो मैं सीधा नहीं कहता प्यार प्रेम तेरा भाई बहना इतना मीठा बोल लगा कांग्रेस वाली जो इनको है ना एक जमाइंड बढ़िया बात बताऊ तेरा संसद में इन तीनों पूछा बोले बताओ कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया 70 साल में 5 साल तो यहाँ पड़े जोड़ जे हैं फिर कह देंगे बोला बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया एक जना खड़ा होने बोला बोला बताइए ना जुन सा रह रहा उसकी और बेचेगा यो हाँ जुन सा रह रहा है नहीं और बेचेगा मोदी जी 70 साल में क्या करे मतलब पूछा है बेचने के लिए हाँ बताया जो कि मैं रह गया मान लेते ना तेरा घर का कोई काम करे है आधा तो मेरे तो बताया आधा छुपा कर रख लिया वो तो मैं बेच गया जुन सा बताया था
अजम शाह नहीं बेरा है नहीं पूछे नहीं को बताया दिलाग दर की मैं रह रहा हो तो मैं गुजरात गया था जो समुन्द्र की जो अपने किनारे है ना पोर्ट है जुगरमुद्रा पोर्ट कांडला पोर्ट उन पता है पिछली बार 24,000 करोड़ की रोहिन पाई थी अम्बानी पोर्ट पता है अम्बानी पोर्ट पता है ठीक है उसका दोबारा कोई मीडिया में जिक्र नहीं हुआ और जितने नमक के हैं सारे हैं पूरा का पूरा गुजरात डेवलप जरूर कर रखा है इब तेरे तो न्यू कह दे नहीं बस तेरा घर ना सरपंच बरतेगा तो काम तो करवाएगा वो तेरा तो रहेगा उसमें किमें किमें इब गुजरात ने अंबानी अडानी बर्तन लग रहे हैं और फिर इनकी कह कही थी एक बढ़िया बात ध्यान में आएगी ये न्यू कहते नहीं बोले मामे भाई मोदी ने कही थी योगी ने फलाना नाम बदल दिया दिखड़ा नाम बदल दिया दिल्ली के नाम ये अपना स्टेडियम है अरुण जेटली नाम दे कर दिया सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है 1,32,000 की कैपेसिटी का वो किसका नाम था है श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेरा होगा अहमदाबाद में जो IPL के मैच चल रहे वाजपेयी स्टेडियम है यहाँ पे के नाम अपना लखनऊ में सारे इन्हें का नाम पर ही थी कही थी मैं अपना नाम यूज नहीं करूँगा ई भाई गया यो केजरीवाल के पास पड़ रहा 8 लाख का एक पर्दा फलाना आदि कड़ा अरे लाख दर्जे को आगे CM बनागा नहीं उसे का काम आऊंगे कि तर तर के लीजिएगा शिक्षा चिकित्सा दो पहलू हैं इस देश में जी करें तो लेकिन आप मुद्दा तो क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी कहते सेना का नाम पर वोट मांगा है यो सेना का नाम पर वोट नहीं मांगता बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था यो देश के जवान मरवाए के वोट मांगा है 40 एक बार मरवाए पुंछ में ही मरवाए 40 पुलवामा में ये मरवाए का मांगा और एक बात बताऊँ ईव देख लिए इलेक्शन का पहला गारंटी दे रहा हूँ तो मेरी बात ने रिकॉर्ड कर लिए 100-150 तो मर रहे हैं 100-150 तो मर रहे हैं एक चीज़ और बताऊँ मेरे भाई किसी के लाल खपान तो अच्छा है नहीं इसी राजनीति का लात मार देनी चाहिए जे मान ले तेरा ही पत्रकारिता तो है नहीं जे किसी का ढूंढ उजड़े नहीं तो यह पत्रकारिता करनी पसंद करेगा छोड़ देगा इसने छोड़ देगा नहीं तो किसी के जिनका घर हाँ भाई एक एक है नहीं जिनके मर रहे हैं वहीं जाना है आज तक कोई CBI जांच नहीं हुई पुलवामा अटैक की कर्नाटक जीतन